Actually, a very good evening to all of you. Good afternoon. तो देखो एक ही पेज में हम लोग पूरा समरी बना लेंगे कि कितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर में, क्योंकि इस पेज में जितना भी कुछ होगा ना इस स्लाइड में इसी के ऊपर आज के सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। तो आज की नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है किससे, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्मूले से। इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, और वैसे ही अल्टरनेट ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पे आप जानते हैं E क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये क्या है टाइम, और ये दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं फेज। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसमें अगर ये अल्टरनेट सोर्स भी लगा हुआ है ये ईएमएफ का, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था कि यहाँ पे नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस। इसका फॉर्मूला हमने कैसा बनाया था, यहाँ पे ये था E नॉट और यहीं पे ऐसा क्या था I नॉट, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू ई नॉट by R sin omega t। अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज by resistance ये क्या हो जाता है I not, I not क्यों, क्योंकि यहाँ पे maximum value of EMF है, उसको आपने resistance से divide किया। तो देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें निकालना पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा I not निकालो तो बोलना सर E not by R, अगर आपको बोलेगा I RMS निकालो तो बोलना सर E RMS by R, अगर आपको बोलेगा आई एवरेज निकालो तो क्या निकालोगे ई एवरेज अपॉन आर, कोई मुश्किल बात नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं हमारे। उसके बाद हमने दूसरी चीज स्टडी की थी, पता है आप एक वायर लो और वायर को ना स्प्रिंग जैसा बना दो, वो क्या बन जाता है एक कॉइल, और जो भी एक कॉइल बनती है उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो हमने क्या किया, एक वायर को ऐसे 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 लपेट दिया है ये, तो ये एक कॉइल की तरह बन गया है ये। अब हमने यहाँ पे भी एक अल्टरनेट सोर्स लगा दिया, यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू अगर E नॉट साइन ओमेगा टी था तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि करंट जो है ना वो पाई बाई टू पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कैसे, अगर इस तरफ आई नॉट है तो इस तरफ क्या हो जाएगा ई नॉट, ये देखो 90 डिग्री पीछे है ठीक है, इस साइड अगर ई नॉट इस साइड आई नॉट, अगर यहाँ आई आर एम एस होगा तो यहाँ क्या होगा ई आर एम एस। अब यहाँ पे हमने इंडक्टेंस लगाया है, ये ना अपोज करता है एसी को, और जो भी चीज अपोज करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो यहाँ पे वर्ड यूज हो चुका है, यहाँ पर जो चीज इसको रेजिस्ट करने वाली है उसको हमने एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं XL, XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो हम लोग निकालेंगे, अगर आई नॉट निकालना है तो ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या है ये, तो हम लोग लिख देंगे XL। अगर आप लोग को निकालना है आई आर एम एस तो आप लोग लिख दोगे ई आर एम एस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। देखो भाई जहां पे भी ये ऐसा वाला रेजिस्टेंस लगा रहता है तो उस सर्किट में कौन अपोज कर रहा है आर, तो ई नॉट बाई आर। जब भी इंडक्टेंस लगा होता कोई कॉल लगी होती है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है ओमेगा एल, जिसको हमने एक्सएल नाम दिया था। तो जब भी ये लगा हुआ है ना तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है ओमेगा एल। क्वेश्चन में आपको दे रखे रहेगा कि एक सोर्स है जिसकी मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू है 100 वोल्ट और इस सर्किट के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इतनी है और इस ओमेगा की वैल्यू इतनी है, तो बताओ आई नॉट कितना होगा, बस वैल्यू पुट करने में। ये वाले चैप्टर में बस यही है, जिसको फॉर्मूले याद है उससे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इतना समझ में आया, फेज डिफरेंस कुछ इस तरीके का ये ऐसा, अगर यहाँ पे आई एवरेज निकालने बोलेगा तो आप ई एवरेज अपॉन एक्स एल लिख देंगे और एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल। इसके बाद हम लोगों ने तीसरी चीज पढ़ी थी, तीसरी चीज में क्या आ गया था हमारा कैपेसिटर। जब भी कैपेसिटर लगा होता है किसी एसी सोर्स के अक्रॉस तो
तो वहां पे E का फॉर्मूला तो वही है E नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन I का फॉर्मूला क्या हो जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, यानी करंट जो है अब वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल गया। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन I नॉट को ऐसे बनाओ, हम ना हमेशा यही करते हैं I नॉट को ऐसे ही बनाते हैं, इधर भी I नॉट को ऐसे और इधर भी I नॉट को ऐसे, बस अब EMF को कभी इसके सेम फेज में रखते हैं जब फेज डिफरेंस जीरो है, जब EMF आगे है तो इधर बना देते हैं, EMF पीछे है तो इधर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो इस साइड क्या आ जाएगा E नॉट, देखो E नॉट का जो है ओमेगा टी है लेकिन I नॉट का जो है पाई बाई टू आगे है उससे, तो ये देखो ये इससे हमने आगे बना दिया। ये दर्शाने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही बनाओ, आप चाहो तो अब I नॉट को ऐसा बना दो E नॉट को ऐसा बना दो, 90 डिग्री आगे दिखाना डेट से, पर हमने एक चूज कर लिया हम लोग I नॉट को तो हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, E नॉट को आगे पीछे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस टाइप की चीज आई थी वो थी एक्स सी, और ये किसके बराबर था 1/ωC। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एक कैपेसिटर हमने यूज किया है उसका कैपेसिटेंस इतना है और ओमेगा की वैल्यू इतनी है, तो बताओ आई नॉट कितना होगा, तो बोलना ये तो भाई रेजिस्टेंस जैसी ही चीज है, तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स सी, एक्स सी हर बच्चा निकाल सकता है यहाँ से, वैसे आई आर एम एस निकाल सकते हैं ई आर एम एस अपॉन एक्स सी, और I एवरेज कैसे निकालेंगे E एवरेज अपॉन X, ये सारे फॉर्मूले बच्चों को पता चल गए पता। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आप लोगों को पूछता है कि आपको रिलेशन बताना है किसमें R, XL, XC एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये तीनों पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलना कि ठीक है ये देखो ये रेजिस्टेंस है एसी सोर्स के अक्रॉस लगा हुआ और यहाँ पे ये है E is equals to E naught sin omega t। अब आप देखो यहाँ पे I is equals to क्या हो जाएगा E naught upon R sin omega t, भाई I naught है ना, I naught क्या होता है E naught upon R, अब भी हमने पीछे लिखा है देखो I naught क्या होगा E naught upon voltage upon resistance, that's it। तो देखो ये हो जाएगा इतना, यानी कि I की वैल्यू जो है वो कितनी है I नॉट की E नॉट बाई R। एक बात बताओ अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं या कम करूं, कहीं आप फ्रीक्वेंसी का टर्म है क्या, कोई टर्म नहीं, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो आपका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है कॉन्स्टेंट, अगर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो आपकी करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट। ये ग्राफ पूछता है बहुत बार पूछ चुका है रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो रेजिस्टेंस क्या है हमेशा कांस्टेंट। दूसरी चीज अगर आपने इंडक्टर लगाया हुआ है यहाँ पे ये एसी सोर्स में, अब यहाँ पे देखो आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा या आई इज इक्वल्स टू किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन क्या हो जाता है एक्सएल, या आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है ओमेगा का फॉर्मूला बताएंगे कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू एल, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट क्या होगा कम होगा, और देखो यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है या एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ एल, भाई ये इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस है ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इंडक्टर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, तो इसमें ग्राफ बनता है एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये भी एग्जाम में पूछता है ग्राफ, तीनों ग्राफ एक साथ पूछता है। तीसरी चीज यहाँ पे अगर आपने लगाया हुआ है कैपेसिटर, अगर हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन एक्स सी और XC is equal to क्या होता है 1 upon omega C। एक बात बताओ XC is equal to 1 हो जाएगा 2 pi frequency into C। जैसे जैसे frequency बढ़ाओगे वैसे वैसे XC कम हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है frequency और XC के बीच में वो ऐसा ग्राफ बनता है, इनवर्स वाला ग्राफ आपने बनाया होगा Y is equal to 1 by X का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है,
तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। ये रेजिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखो, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, या जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू रेजिस्टेंस उतना कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन पूछता है, जेडब्ल्यू वगैरह में पूछते रहता है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज हो गई है तो बताओ इसका जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। तीन वैल्यू ना कम दे रखेगा और एक वैल्यू ज्यादा दे रखेगा, हमको पता है ज्यादा होती बढ़ जाती है तो सीधे वो चौथे वाले को टिक करना होता है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब आ रहा है मेन हमारा टॉपिक, जिसमें सर्किट में अभी तक के देखो सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता था, कॉइल लगी होती थी, कैपेसिटर लगा होता था। हाँ, इसमें लिखो हेडिंग, क्वेश्चन लिखिएगा तो रिवाइज कराया मैक्सिमम करंट निकालना है तो मैक्सिमम वोल्टेज रखो, आरएमएस करंट निकालना है तो आरएमएस वाला वोल्टेज रखो। चलो छाप लो, ठीक है। चलो ये वाला ग्राफ लिखिएगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्टेट द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्टेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन ऑन देखो आर कॉमा एक्सएल कॉमा एक्सी। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, उसके बाद इनके बारे में भी आपको पता है, इनके नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तीनों के बीच में मैंने आप लोगों को ग्राफ बना के बता दिया। पिछली वाली जो मैंने शीट प्रोवाइड की थी पिछली क्लास की पीडीएफ, उसमें तो ये सब बना हुआ, तो इसको चलो बना लेना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें ना आर एल सी तीनों इकट्ठे आने वाले हैं हमारे सर्किट में। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने बना दिया एक रेजिस्टेंस को। अब एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके बाद एक कॉइल है, उसके बाद एक कैपेसिटर, और यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा सोर्स है जो कि वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t। अब देखो यहाँ पे तीन अलग अलग डिवाइसेस लगी हुई हैं। जब भी कोई डिवाइस लगी होती है ना किसी सर्किट में, उसमें हमेशा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हमने ये मान लिया कि इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वी आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वी एल होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो क्या होने वाला है, वी सी। ये तीन वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका जो सोर्स है उसका वोल्टेज कितना था, ई, और इसका वोल्टेज ड्रॉप हमको कितना देखने के लिए मिल रहा है, इन तीनों का सेपरेट 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 कितना देखने के लिए मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, इतना टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो तीनों का वोल्टेज ड्रॉप आप एक साथ ऐड कर लो। आज की क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, पता है उसमें ऐसा कुछ आएगा कि यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, मान लो ये 100 है, साइन ओमेगा टी कुछ लिखा होगा, भैया मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 100, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वोल्टेज ड्रॉप इस अक्रॉस दिस आएगा मान लो 30, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा कितना 60, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 50। फिर आप बोलोगे सर जब टोटल वोल्टेज ही हमारा 100 है और यहाँ पर तो ये 60 और 50 110 और 140 वोल्टेज कैसे ड्रॉप हो गया है? ये ऐसे ड्रॉप हुआ है क्योंकि तीनों में एक साथ इसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो रही,
वोल्टेज कभी आगे रहता है कभी पीछे रहता है, समझ पा रहे इस चीज को। ये देखो यहाँ पे ना तीन बल्ब लगे हुए हैं, ये एक बल्ब, ये दो बल्ब, ये तीन बल्ब, और यहाँ पे ये एक हमारा एसी का सोर्स, ये 50 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये भी 50 वोल्ट और ये भी 50 वोल्ट ड्रॉप करता है। और मैंने बोला कि ये जो हमारा सोर्स है ना ये खुद 50 वोल्ट का है, तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, सोर्स में जब 50 वोल्ट है तो तीनों 50 50 50 कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ना एक सेकेंड के लिए पहले ये जलता है, मैंने सिस्टम ऐसा बनाया है वो दोनों चुप रहते हैं, फिर आपने देखा ना दिवाली में सीरीज कुछ लाइट बंद होती है कुछ चालू होती है, तो वैसे ये है, ये पहले जलता है, ये बंद होता है फिर ये जलता है, फिर ये बंद होता है फिर तीसरा जलता है। इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50, पर क्या तीनों में एक साथ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? नहीं ना, अलग अलग हो रहा है। तो देखने में हमको लग रहा है कि सर ये तो 150 वोल्ट, अरे नहीं भैया ये अलग अलग टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए आपको इससे ज्यादा इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इसी को हम लोग ना यहाँ पे अभी देखने वाले हैं कि कैसे मैथमेटिकली उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि कैसे हो जाता है। हाँ क्या हाँ तीनों ऐसी लगे, अभी देखते जाओ ना इसमें क्या होगा। अभी देखो, अब मैं इस तरह फेजर डायग्राम बनाता हूँ, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमको दो ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, करंट जो है हमारा आई नॉट इस डायरेक्शन में, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस वो किस डायरेक्शन में होगा, बात बताओ। रेजिस्टेंस पे फेज डिफरेंस कितना होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस, इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। इसमें फेज में कोई चेंज नहीं आता, जिस डायरेक्शन में हमारा देखो करंट है ये वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में ना हमारा करंट भी होता है, ये देखो दोनों का एंगल बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए तो दोनों को एक लाइन को बनाया, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मैंने अभी मान लिया है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वी आर, मैंने बना दिया कि सर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो इसी डायरेक्शन में हमको देखने के लिए मिलेगा वी आर। तो इसके लिए तो फेजर डायग्राम बन गया। अब अगला वाला बीएन, एक बात बताओ इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, और वो भी किस डायरेक्शन में, इधर या इधर, इधर। तो वीएल की डायरेक्शन पता है क्या होने वाली है, वीएल की डायरेक्शन रहेगी ये, और उसके बाद देखो जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से हमेशा पीछे रहता है, हम लोग थोड़ी देर पहले ही रिवाइज किया था। तो अगर वो पीछे रहता है तो बीसी को मैं कहां बनाऊंगा, इस डायरेक्शन में। वाह, यानी कि देखो तीनों अलग अलग एंगल पे हमको देखने के लिए मिल रहा है तीनों में। ये देखो ये जीरो, देखो साइन ओमेगा टी, इस पे पता है ये हमको मिल रहा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसमें हमको ये वाला मिल रहा है, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये देखो ये बीच में है, ये उससे आगे है, ये उससे पीछे है। यहाँ पे देखो ये टाइम t इक्वल टू जीरो पुट करके देख, तो इसकी वैल्यू आपको जीरो मिल रही है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू मिल रही है, इसकी भी कुछ वैल्यू मिल रही है, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, यानी कि तीनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रहे, अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम होंगे। ये कब मैक्सिमम होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन, और इसकी वैल्यू वन कब हो जाएगी, जब अंदर में कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये भी कब मैक्सिमम होगा, जब अंदर में क्या आ जाए, 90 डिग्री। इसमें अंदर 90 डिग्री कब आएगा, जब यहां पे आप ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई, जब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई फोर, टाइम जब पाई बाई फोर होगा ना तब ये मैक्सिमम मिलेगा। और ये कब मैक्सिमम मिलेगा, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, टाइम जीरो, तो देखो ये मैक्सिमम। और ये कब हो जाएगा, जब ये कितना होना चाहिए, 180, 180 माइनस 90, तो ये 180 कब होगा, ये तो ऑलरेडी 2 पाई है, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू। तो देखो तीनों अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम मिल रहा है। अगर यहां तक की समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ जाओ कि वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होता है, इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज उससे आगे होता है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज उससे पीछे होता है। यानी वोल्टेज की अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू होती है अलग अलग टाइम में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक वोल्टेज की वैल्यू निकालना है, नेट वोल्टेज। अब तो देखो अगर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है 5 न्यूटन,
उसके बाद इस डायरेक्शन में लगा हुआ है 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लगा हुआ है 3 न्यूटन, 4 से 3 इसका एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा रिजल्टेंट, हमको वही रिजल्टेंट यहां पे निकालना है। अच्छा एक बात बता सकते हो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही है, सबसे पहले तो ये और ये दोनों में से ना एक को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? दिस माइनस दिस, 7 न्यूटन आएगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी। मानते हो इस बात को? इस डायग्राम को ना मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, 7 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर। अब देखो ये दो फोर्स है, दो फोर्स के बीच में रिजल्टेंट निकालना सबको आता है। दो परपेंडिकुलर फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट आता है ना, उस रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर। ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो चीजें हैं, ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट का रिजल्टेंट होता है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकल जाता है। तो कैसे इससे निकल जाता है, तो देख लो भाई कैसे निकल जाता है। हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वेक्टर जो होते हैं आप उसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। देखो इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया आगे, अब यही तो उसका रिजल्टेंट होगा। तो ये देखो पाइथागोरस लगाओ, तो ये पाइथागोरस से इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या r is equal to under root a square plus b square। बस मोटा मोटा इतना समझ जाओ कि कोई भी दो perpendicular force का resultant हम कैसे निकालते हैं, under root दोनों के magnitude का square। इतना समझ में आया? तो वैसे ही काम हमको अब यहाँ पे करना है। तो चलो ये काम करते हैं। सबसे पहले देखो आप किन दो voltages को खत्म कर सकते हैं। हाँ हाँ सॉरी ये 1/4, ये भी 1/4। तो यहाँ पे देखो ये VL और ये VC दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका नेट इफेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, या इसको इसी पे बना देता हूँ कि सर हम इस डायरेक्शन में इनका कंबाइंड बता सकते हैं VL माइनस VC। भाई ये और ये दोनों का खेल खत्म हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सर आपको कैसे पता कि VL बड़ा है और VC छोटा है? हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि VC की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर देखो ऐसा होगा नीचे 10 न्यूटन और ऊपर की तरफ 3 न्यूटन, तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे की तरफ 7 न्यूटन आएगा ना। तो यहाँ तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि VL जो है वो BC से बड़ा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ये रिजल्टेंट उसी की तरफ आएगा। अब देखो VL माइनस BC है और यहाँ पे ये VR, इन दोनों का रिजल्टेंट अब हमको निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इनके बीच में ही होगा कुछ ऐसा, तो बीच वाला जो रिजल्टेंट होगा ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ही तो होगा। इस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये सॉरी बी आर का स्क्वायर, बी आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट ई एम एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आया, पक्की बात? अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि I is equals to क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इसका नीचे इसका रेजिस्टेंस। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? तो यहां पे देखो VR is equals to क्या हो जाएगा, I into R। यहाँ पे VR is equals to क्या हो जाएगा, I into XL। और यहाँ पे BC is equals to क्या हो जाएगा, I into XC। तो इसकी जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, E not is equals to। अब क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमने मैक्सिमम लिया है तो करंट भी यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसकी जगह पे I not, I not, I not।
यहाँ पे जो वी आर वी एल वी सी थे ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर, तो यहाँ पे देखो ये आई नॉट तीनों में कॉमन मिलने वाला है, तो आई नॉट तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा क्या आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले प्लस वी एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स टी का स्क्वायर, आई नॉट पूरे से बाहर निकल जाएगा तो ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट और अंदर में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स टी का होल स्क्वायर। आपको कुछ कुछ वैसे दिख रहा है वोल्टेज इज इक्वल्स टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस, तो देखो ये नेट वोल्टेज है ये नेट करेंट है तो ये क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब सिर्फ R होता तो हम रेजिस्टेंस कहते, XL होता तो क्या बोलते उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर XC बस होता तो क्या बोलते कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पर जब तीनों एक साथ आ जाते हैं ना तो इसको हम लोग नया नाम देते हैं इस रेजिस्टेंस को, उसको कहते हैं इम्पीडेंस। तो अब से हम इसको क्या कहेंगे इम्पीडेंस, जब भी आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि इम्पीडेंस कैलकुलेट करो तो आपको इसी स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना है। अब इसी चीज को मैं शुरुआत से आप लोगों को लिखाते जाता हूं और यहां पे हम लोग उसको डिराइव करते चले जाते हैं। लिखिएगा हेडिंग डालिएगा एसी सर्किट कंटेनिंग आर एल सी इन सीरीज, आर एल सी इन सीरीज लिखिएगा नीचे, लेट आर एल सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेट आर कॉमा एल कॉमा सी कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ so the current at any instant, so the current at any instant through three elements, has the same magnitude and phase. करंट तीनों में से सेम जाने वाला है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, तीनों में से सेम ये करंट जाने वाला है क्योंकि करंट बीच में रुक तो सकता नहीं है ना, तीनों में से सेम करंट पास होने वाला है, तो करंट का हम लोगों ने इक्वेशन लिखा। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, हाँ लिखना इसको आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, अब तीनों में से करंट सेम जा रहा है लेकिन तीनों में एक चीज है कि करंट और वोल्टेज इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है, तो करंट अगर सेम है तो वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट हैज अ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विथ द करंट। अब तीनों के बारे में हमको लिखना है आर एल और सी के बारे में। अब लिखिएगा नंबर वन द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, नंबर वन है नहीं हेडिंग नहीं है लिखते जाओ, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर यानी रेजिस्टेंस इज वी आर इज इक्वल्स टू I not R, मैक्सिमम वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में लगा दिया। अब नीचे लिखेगा इन फिगर कॉमा करंट फेजर
I not is represented by represented along OX, ये है O और ये है X, इसमें हम लोग represent करेंगे along OX, comma as we are in phase with current, so it is represented by the vector. OA. OA along OX. तो देखो सेम फेज में रहते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसलिए दोनों को हमने सेम फेज में बना दिया अलोंग OX. अब हमें पता है कि VR की वैल्यू इससे ज्यादा या कम कुछ भी हो सकती है, हमें तो बस यहाँ पे दिखाना है और कुछ नहीं. तो देखो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं. अब लिखिएगा नेक्स्ट, ये डायग्राम बनाओ और सारा सब कुछ हमको इसी डायग्राम में बनाना है आगे का. तो डायग्राम धीरे धीरे बनाना सीखते जाओ. कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया, तो उसमें जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, कोई एंगल नहीं. नंबर टू, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल कैपिटल एल इज VL is equals to I not XL. कोई V is equals to IR वाला फॉर्मूला है. इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना ना, तो इंडक्टर का मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया है. V is equals to IR वाला फॉर्मूला है. अब इसी बारे में लिखेगा as voltage across the inductor, as voltage across the inductor, इंडक्टर से गुजरने पे ना करंट जो है उससे आगे निकल जाता है वोल्टेज. Voltage across the inductor leads the current by 90 degree. ये lines आप पढ़ोगे ना सब समझ में आते जाएगा. By 90 degree. So it is represented by vector OB. ये vector OB है. और ये VL है. वेक्टर OB along OY, कॉमा 90 डिग्री अहेड ऑफ I नॉट, 90 डिग्री अहेड ऑफ I नॉट. I नॉट से 90 डिग्री आगे हमने बना दिया है, हमने माना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आगे की डायरेक्शन है. चलो अब नंबर थ्री, द मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस सी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सी इज कितना लिख दो, BC is equals to I not X. Very good. I not X. The maximum across the BC is equals to I not X, comma as the voltage across the capacitor, lags behind, LAGS, lags behind the alternating current, lags behind the alternating current by 90 degree,
So it is represented by vector OC. OC along OY dash. Along OY dash. Comma 90 degree behind I naught. 90 degree behind I naught. I naught से 90 degree पीछे रखना है इसको. अब लिखिएगा. As the bolt, ये चौथा point नहीं है. अब तीनों point खत्म हो गए. अब हम लोग main derivation कर रहे हैं. As the voltage across L and C, as the voltage across L and C, ऊपर L है और नीचे C. As the voltage across L and C have a phase difference of कितना phase difference है दोनों के बीच में 180 degree का. तो जब भी कोई दो vectors 0 degree या 90 degree पे हो 180 degree पे होते हैं ना तो सीधा उसको plus minus कर देते. जैसे अगर इधर 5 है और इधर 8 है तो सीधे इधर हम क्या लिख सकते हैं उठा के 3. या अगर इधर 8 है और इधर इसी डायरेक्शन में 5 है तो सीधा हम क्या लिख देंगे 13. देखो ये इधर दिख रहा है और ये जस्ट उसके पीछे है. हमने मान लिया कि VL बड़ा है VC से तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका रिजल्ट VL - VC. तो लिखिएगा as the voltage across L and C have a phase difference of 180 degree, comma, तो नेट रिएक्टिव वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज एक ही बात. सो नेट रिएक्टिव वोल्टेज इज VL माइनस VC, ब्रैकेट में लिख लेना, इज VL माइनस VC कॉमा कॉमा एज्यूमिंग हमने ऐसा एज्यूम किया है कि VL बड़ा है BC, assuming VL minus BC, comma, in figure it is represented by, in figure it is represented by, assuming VL is greater than BC, comma, in figure it is represented by vector OB dash. ये है VL माइनस VC. तो समझ में आ गया होगा ऊपर क्यों बना है, क्योंकि VL बड़ा है. जो ज्यादा बड़ा होता है ना उसी की डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट आता है. अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA. अब देखो भाई ये हमारा VR बचा और VL माइनस VC का रिजल्टेंट तो हम निकाल चुके. तो अब नेट रिजल्टेंट इन दोनों से मिलके बनेगा. एक्चुअली क्या है, टोटल तीन वोल्टेज थे, ये एक था, ये दूसरा था और ये तीसरा था. हमने इन दोनों को कंबाइंड करके एक बना दिए. अब ये वाला तो एज इट इज है. अब इन दोनों को मिला के एक इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे. ठीक है, ठीक है. द रिजल्टेंट ऑफ OA and OB dash is the diagonal OK vector OK. इससे पहले आप लोगों ने सब ऐसा लिखा है ना, ये OB dash OA सारे vectors हैं. vector OA vector OB dash इनका जो resultant है वो है vector OK. अब देखो आप लोगों को यहाँ पे लगाना है पॉलीगन लॉ. पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि आपको जब भी दो फोर्सेस का या दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो ये वाले वेक्टर को उठा के ये वाले वेक्टर के एंड पे रख दो. हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसा, और ये वाले को उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको भी उठा के हमने रख दिया यहाँ पे ऐसा. तो आपको ये क्लोज पॉलीगन दिख रहा है. तो इसका ये वाला जो डायगोनल होगा ना यही क्या होगा इनका रिजल्टेंट. ये लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि आपको अगर कोई भी दो फोर्सेस का या दो वेक्टर का अगर आपको निकालना है रिजल्टेंट, ये वाले को उठा के यहाँ पे रख दो और ये वाले को उठा के यहाँ पे रख दो, और ये जो डायगोनल बनेगा यही क्या होगा इनका रिजल्टेंट होगा.
वैसे इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ये। अब पाइथागोरस लगा के देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो आप यहां से इसको निकाल सकते हैं। लिखिएगा आगे, हियर द वेक्टर सम ऑफ VR, VL and VC, VR, VL and VC is phasor, तीनों मिलके कितना वोल्टेज ड्रॉप कर पाएंगे, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, तीनों मिलके इनकी जो मैक्सिमम, ये मैंने बताया ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, तो तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये नॉट हमको यही बता रहा है कि ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इस फेजर E नॉट रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओके, वेक्टर ओके मेकिंग एन एंगल फाइव, मेकिंग एन एंगल फाइव विथ द करंट फेजर, किसका एंगल बना रहा है, करंट फेजर के साथ। देखो यहां पे एक बड़ी खूबसूरत चीज हमको मिलेगी कि जो नेट वोल्टेज का जो फेजर है उसका एंगल हमको करंट से मिलने वाला है, नेट वोल्टेज का फेजर हमको करंट के साथ मिलने वाला है, मतलब फेज डिफरेंस दोनों का मिल जाएगा नेट वोल्टेज और करंट के बीच का। लिखिएगा तो अब नेक्स्ट लाइन में अब आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन की शुरुआत कीजिएगा, तो के बाद लिखेंगे ओके इज इक्वल अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओबी डैश ना ये एके के बराबर, इसी को उठा के तुमने यहां पे रखा था, तो चाहे एके लिख लो एके का स्क्वायर या ओबी डैश का स्क्वायर, चाहो तो लिख लेना ओके डैश इज सॉरी एके इज इक्वल टू या ओबी डैश इज इक्वल टू एक, ये एक ही बात। नेक्स्ट लाइन, तो ओके ही क्या था हमारा ई नॉट इज इक्वल ओके क्या था वी आर का स्क्वायर और ओबी डैश क्या है वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर से, ये वाला हम लोगों ने रिलेशन लिख लिया I not XL minus I not XC का स्क्वायर, या E not is equals to I not common निकल जाएगा और अंदर बचेगा R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर, या E not by I not is equals to R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कोई कॉइल भी लगी हुई है, कोई कैपेसिटर भी लगा हुआ है, बोलेगा आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको बस यही निकालना है, और इसके लिए नया वर्ड हम लोग यूज करेंगे क्या, इंपीडेंस। अब रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलने पे सिर्फ वो रेजिस्टेंस याद आता है, हम लोग इसको क्या नाम देंगे, इंपीडेंस, मतलब एक टोटल कंबाइंड इफेक्ट है किसका, रेजिस्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंपीडेंस, ये एग्जाम में हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोलता है, हर क्वेश्चन में आपको एल दिया होगा, सी दिया होगा, ओमेगा दिया होगा, आर दिया होगा और इंपीडेंस निकालने बोलता है, तो इस फॉर्मूले से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड से, कैपिटल जेड। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट
द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कॉमा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड where Z next line में लिख लेना where Z is equals to E naught by I naught is equals to R का square plus XL minus XC का whole square. तो impedance calculate करने बोलेगा तो यहाँ से impedance आ जाएगा हमारे पास. अच्छा एक बात बताओ क्या कोई बच्चा यहाँ से ये देखो ये अब हमारा ना E naught आ चुका है. E naught और I naught के बीच में ये बन रहा है phase. डिफरेंस क्या कोई यहां से पाई की वैल्यू बता सकता है? हाँ बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखो ये एक आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू है बी आर माइनस बी सी और इसकी वैल्यू है बी आर यानी आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है तो क्या लगाओगे टेन टेन पाई इज इक्वल टू बी आर माइनस बी सी अपॉन बी आर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है तो यहां पे देखो लिखिएगा नेक्स्ट टाइम में स्टार मार्क कर दीजिए तो इन एसी सर्किट कंटेनिंग आर कॉमा एल कॉमा सी The phase angle between current and voltage is phi. कैसा लिखना therefore phase difference phi. इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं tan phi is equals to डायग्राम से देखो AK upon OA तो मैंने लिख दिया इसको AK upon OA ये कि हमको दिखाई देगा OB dash upon OA के बराबर ये कि हमको दिखाई देगा BL minus BC upon BR के बराबर और उसके बाद तो बच्चे जानते हैं BL को हम क्या लिख सकते हैं I naught XL minus I naught XC upon I naught R जहां जहां वोल्टेज दिखता है ना उसको करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं अब ऊपर नीचे से आई नॉट कट जाएगा तो यहां से हमको मिलेगा tan phi is equals to XL minus XC upon R. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर नहीं लगा है सिर्फ क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस है और कॉइल है यानी कि L लगा हुआ है और R लगा हुआ है उसके लिए आपको इंपीडेंस कैलकुलेट करने बोलेगा सेम फॉर्मूला लगा देना XC की जगह क्या लिख दोगे कैपेसिटर लगा ही नहीं है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा जीरो इसकी जगह जीरो पुट कर दे किसी सर्किट में अगर L और R बस दो चीज है तो ये देखो R को रख देना और XL को रख देना किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टेंस है तो XL की जगह क्या लिख दोगे जीरो इसकी जगह पे जीरो लिख देना तो आपको नेट इंपीडेंस मिल जाएगा और फेज डिफरेंस में भी आप लोग क्या करोगे जो चीज नहीं उसको जीरो लिख देना क्या आर कभी जीरो मिलेगा किसी सर्किट में कभी आर जीरो नहीं मिलने वाला है कभी भी कोई भी सर्किट बना लो दुनिया का रेजिस्टेंस तो हर जगह मिलेगा कोई बच्चा बोलेगा कि सर कैसे तो देखो जो मैंने अभी बताया था ये जो हम लोग इंडक्टर लगाते हैं क्या होता है कॉइल होगी वायर अगर वायर है तो आर को हमेशा रहना है एल रहे ना रहे सी रहे ना रहे आर तो हमेशा रहे हमारे चैप्टर वन से लेके था और आखिरी चैप्टर तक के रहे ठीक है चलो अब तड़कता भड़कता कोई क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग पहले एकदम इजी वाला क्वेश्चन बनाएंगे लिखिएगा क्वेश्चन अब 15 माइक्रो करंट कैपेसिटर और
15 microfarad capacitor is connected to 220 volt, 50 hertz source. Find the peak current. Peak का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. पीक का मतलब मैक्सिमम. अरे आपको क्या निकालने बोल रहा है, मुझे सिंबल से बताओ. चलो पहले गिवन क्या क्या है आपको, ये क्या गिवन है? सी की वैल्यू गिवन है. तो सी की वैल्यू आपको गिवन है 15 × 10⁻⁶. वेरी गुड, क्योंकि माइक्रो की जगह हम लिखते हैं 10⁻⁶ फैराड. उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ई की वैल्यू दे रखी है लेकिन लिखा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू है कि एवरेज वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है. जब भी नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ जाना वो क्या दिया हुआ है, आरएमएस. तो जानबूझ के नहीं लिखता है ताकि आपको पता रहे ये ई आरएमएस की वैल्यू हो, नहीं लिखेगा, आपको खुद से समझ जाना है. उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज. जब जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दिखे ना, आप एक फॉर्मूला नीचे लिख देना 2πf वाला और यहां से ओमेगा निकाल देना, क्योंकि ओमेगा का आपको बहुत काम पड़ने वाला है. ओमेगा एल ओमेगा सी यही तो होता है. तो कोई बच्चा बोलेगा सर ओमेगा तो दिया नहीं है, भैया ओमेगा इज इक्वल टू 2πf हम निकाल रहे हैं. अब देखो इसमें क्या निकालने बोल रहा है हमको, इतना सब कुछ गिवन है और हमको बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल. कैपेसिटर वाला सर्किट है ये, ठीक है. तो यहां पे देखो आपको दिया कौन सा वोल्टेज है. देखो मैं ना फॉर्मूला लगाता हूं, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन, इसमें देखो कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा है क्या, नहीं लगा है. सिर्फ क्या लगा है, कैपेसिटर. तो कैपेसिटर के कारण क्या रेजिस्टेंस आता है, एक्स सी. वेरी गुड, कैपेसिटर अकेला है ना यार, तो एक्स सी. अब देखो यहाँ पे अगर आरएमएस हमको गिवन है तो करंट कौन सा आ जाएगा, आरएमएस आ जाएगा. तो यहां से आई आरएमएस निकाल लो और हमको एक रिलेशन पता है, बहुत पहले हमने पढ़ा था आई आरएमएस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू. तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू आई आरएमएस. ये चुपचाप कुंटे में फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है. तो देखो हमको डाटा गिवन था और हम लोगों को ना ओम का लॉ पता था, V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट निकालना है, इसलिए हमने लिख दिया इसको V बाई आर. अब हमको देखो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा दिया हुआ है, आरएमएस. V लिखो, E लिखो, एक ही बार. और नीचे रेजिस्टेंस ढूंढने गए तो रेजिस्टेंस मिला ही नहीं, पर पता चला यहाँ कैपेसिटर लगा है. और जब जब कैपेसिटर लगता है तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है एक्स. तो अपने आप यहाँ पे कौन सा करंट आ जाएगा, आई आर एमएस. बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया. अब एक्स सी कैसे निकालें, वेरी गुड. देखो आई आर एमएस इज इक्वल, मैं एक्स सी को ना पहले ही निकाल लेता हूं. एक्स सी कैसे निकलता है देखो, एक्स सी का फॉर्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2π इनटू फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 इनटू कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 15 × 10⁻⁶. तो ये xc की वैल्यू है, इसको वहां पे हम लोग पुट करेंगे और irms की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां से irms इज इक्वल्स टू, अरे देखो दिस अपॉन दिस लिखोगे तो ये सब नीचे का उचक के ऊपर पहुंच जाएगा ना, समझ रहे हैं. इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ई आर एम एस अपॉन 1/ωc, ये ऊपर चला जाएगा, इतना तो सबको पता है. मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूं, ई आर एम एस दिया हुआ है कितना, 220 × 2 × 22/7 × 50 × 15 × 10⁻⁶. क्या इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, करके बड़े आराम से कर सकते हैं. और करने के बाद इनको पता चलेगा ये आ रहा है कितना, अराउंड 1.03 एम्पियर.
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट टू आई आर एम एस, यानी कि ये होता है 1.707 इंटू 1.03। तो ये नहीं 1.41 तो होता है ना, सॉरी 1.414 इंटू ये, तो 1.45 के आसपास साइज का अंतर आएगा। क्या बच्चे ये समझ गए कैसे कैलकुलेशन हो? बहुत इजी था यार, एक अच्छा क्वेश्चन बना। चलो देखो इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट the alternating voltage and current are, बोर्ड पे लिखा है P और I, RLC सर्किट तीनों लगा हुआ है, RLC तीनों जने हैं। देखो अकेला R होता है तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, L होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस पाई बाई टू, C होता है तो माइनस पाई बाई टू, पर यहाँ पे तीनों लगे हुए हैं तो कुछ और एंगल जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो अब यहाँ से देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा फाइंड क्या करना, देखो इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज, if the resistance in the circuit is 40 ohm, 40, then find impedance, reactance, and the phase difference. इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड, तो जेड निकालना। अरे रिएक्टेंस कौन सा है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जब सिर्फ रिएक्टेंस लिखे ना, इसका मतलब आपको निकालना है XL माइनस XC। याद रखना जब बोलेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो तो XL निकालेंगे, जब बोलेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो तो ये निकालेंगे, और बोलेगा रिएक्टेंस निकालो तो XL माइनस X। उसके बाद फेज डिफरेंस ये क्या होता है पाई, ये सारी चीजें आपको निकालना है। अच्छा यहां से आपको पता क्या क्या चल रहा है बताओ, वोल्टेज इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू रहती है? वी नॉट, फॉर्मूले में हम लोग लिखे हैं वी इज इक्वल टू वी नॉट, सामने हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आपको ना वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 300 वोल्ट। उसके बाद देखो ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है। फ्री में हमको ओमेगा भी मिल गया है कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 100 है। यहां से देखो आपको क्या मिल गया, आई नॉट इज इक्वल टू 6 एम्पियर, और ओमेगा तो दोनों के लिए सेम ही 100, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल गई है, अब आपको निकालना है ये जेड की वैल्यू। कैसे निकालें जेड? हाँ वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू, बिल्कुल सही भाई, आपको टोटल यहाँ का वोल्टेज दे रखा है वी नॉट, आई नॉट दे रखा है, सर्किट में तीनों चीजें हैं, तो आप लोग वी नॉट बाई आई नॉट करें। अरे जब ना सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता तो वी नॉट बाई आई नॉट से आर निकलता था, लेकिन जब तीनों लगे हुए हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जेड मिलेगा जेड। थोड़ी देर पहले आपको हमने डिराइव किया इसके फॉर्मूले, ध्यान से देखा तो वो देखो V नॉट बाई आई नॉट, V इक्वल V तो एक ही बात है, जिस सर्किट में R L C तीनों होते हैं उसमें मैक्सिमम डिवाइडेड बाई मैक्सिमम आपको ये मिलता है, RMS अपॉन RMS भी आपको Z मिलेगा, मतलब इन दोनों का रेशियो।
उसमें तीनों चीजें रहती है ना, आर एम एस अपॉन आर एम एस टू जेड मिलेगा, रेशियो हमेशा सेम। तो जिस सर्किट में तीनों लगे हुए हैं उसमें वी नॉट बाई आई नॉट करने पे जेड मिलता है। सर हमने तो पढ़ा था वी बाई आई इक्वल्स टू आर मिलता है, जिसमें सिर्फ आर लगा होता है ना उसमें आपको रजिस्टेंस मिल जाएगा। ये सर्किट में तीनों का टोटल रजिस्टेंस मिलेगा। कोई बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पे आर की वैल्यू, सॉरी छोड़ोगे तो यहाँ से वी नॉट बाई आई नॉट से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहली चीज आ गई आपकी, निकालो क्या आ जाएगा आपका 50 ओम। वेरी गुड, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखाया था। इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 40 ओम लिखवाया है, आर भी दिया हुआ है इसमें, आर इज इक्वल्स टू 40 ओम लिखवाया था ना। हाँ तो देखो आर दिया हुआ है, जेड मिल गया हमको, तो जेड इज इक्वल्स टू होता क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये माइनस आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा जेड कितना है अपना 50 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है 30 का स्क्वायर आता है, 30 40 50 के बीच में रिलेशन है। तो एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 30 ओम, यूनिट के साथ लिखना भाई, तो ये 30 ओम आ गया एक्सएल माइनस एक्ससी, रिएक्टेंस भी आ गया। और फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, अब भी फॉर्मूला लिखे थे एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर की टेन फाइव होता है, तो टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी कितना है 30 डिवाइडेड बाई ये कितना है आर की वैल्यू 40। तो यहां से फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जय। हाँ बिल्कुल 37। ये देखो टेन क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, जिस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तीन होता है उसके सामने वाला एंगल क्या होता है ये 37। ये हमको याद रखना है, ये भी क्लास में इसको पढ़ना पड़ता है हमको, जिस ट्राइंगल में एक साइड तीन होती है उसके सामने का एंगल क्या होता है 37, और जो साइड चार होती है उसके सामने का एंगल क्या होता है 53। ये याद रखने वाली चीज है ये 53। अरे ये 90 ये 37 से तो अपने आप ही 53 निकलेगा, ये याद रखने वाली चीज है। अगर यहां पे ऐसा आता ना 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर 4 है बेस 3, तो 4 के सामने क्या आ जाता है 53 डिग्री, तो ये याद रखना होता है। तो बच्चों ने निकाल लिया 37 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन में आप लोगों को गिफ्ट देके जाऊंगा जिसको आप लोग को बना के ला सकते, ठीक है। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1/5 हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, 1/5 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। फुल स्टॉप। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ a source of 200 volt, 200 hertz, find phi z and I RMS। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो इस बार C की वैल्यू नहीं है, यानी कि एक्स सी कितना हो जाएगा जीरो,
जो नहीं दिया है वो जीरो, तो एक्स सी की वैल्यू है जीरो। मतलब वो लगा नहीं है ना सीरीज, मतलब सर्किट का उसका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसने निकालने बोला है पाई निकालो, इसने बोला है जेड निकालो, और इसने बोला है आई आर एम एस निकालो। अरे पाई तो फार्मूला तो तुम लोग पढ़ चुके हो, टेन पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एल अपॉन आर। क्यों? क्योंकि एक्स सी जीरो है। क्या एक्स एल निकाल सकते हैं हम लोग? भाई एक्स एल होता है ओमेगा एल, यानी कि टू पाई इंटू एफ इंटू एल। टू पाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 200, ये कितना दिया हुआ है 1/5, पाई से पाई कट गया, और ये कितना आ गया 400 ओम। रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी 300 ओम दिया था, तो यहां से बच्चे लिख सकते हैं टेन पाई इज इक्वल्स टू 400/300, तो पाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3, यानी पाई इज इक्वल्स टू 53। हाँ ये देखो, ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस चार के सामने वाला एंगल कितना होता है 53 आ गए। अब जिस बच्चे के पास एक्सएल भी है और आर भी है, क्या वो जेड भी निकाल पाएगा? बड़े आराम से निकालेंगे। जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्स सी को तो मैंने वैसे जीरो मान लिया, इसीलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Z is equals to, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 300, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर क्या आता है 500। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 500 ओम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमको निकालने बोला है आई आर एम एस कितना होगा, हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई बाई आर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे इम्पीडेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ, इम्पीडेंस लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू आई बाई जेड, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गलत लिख दिया नहीं बताना था ना, इज इक्वल टू होता है क्या आई आर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है जेड। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लिखना है हमको, जब सिर्फ आर लगा होता ना तो ये फॉर्मूला था, लेकिन अब सिर्फ आर नहीं, अब उसके साथ में एल या सी भी आ गया। अगर एल या सी नहीं होता तो सिर्फ हम ये लिख देते, तो आई जेड, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई जेड। उनको निकालने क्या बोला है आई आर एम एस, तो वोल्टेज क्या लूंगा मैं आर एम एस, खत्म। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, वी आर एम एस दिया है 200, जेड निकाल चुके हो, तो 2/5 0.4 एम्पियर, खत्म। क्या आज जो न्यूमेरिकल बनाए समझ में आए? तो एक क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे, इस क्वेश्चन में ना मैं वही पूछूंगा आप लोगों से कि वी आर कितना है, वी एल कितना है, वीसी कितना है, और फिर एक डाउट आप लोगों के मन में भर दूंगा, क्या इन तीनों को जोड़ने पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो आप लोग वहां पे इसका रीजन सोच के आएंगे, आप लोग लिख के आएंगे कि भैया तीनों अलग अलग फेज में, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, अ रेजिस्टर ऑफ 400 ओम 400 ओम, a resistor of 400 ohm, comma, an inductor of 5/5 henry, and a capacitor of 50/5 microfarad. नीचे पाई रहने से ना बड़ा अच्छा होता है, 2πf जब करोगे पाई से, मतलब 2πf c या पाई l करोगे तो वो नीचे से वाले पाई से कट जाएगा।
आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ देख लो लिखा है 140 साइन पाई टी वोल्ट्स वोल्टेज है तो यूनिट लिखना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 140 और ये किसकी वैल्यू दी है ओमेगा ओमेगा आपको ऑलरेडी दे रखा है ठीक है तो इसको फाइंड द वोल्टेज ब्रैकेट में लिखना आरएमएस आरएमएस वोल्टेज आप लोगों को निकालना है अक्रॉस द रेजिस्टर यानी किसकी वैल्यू निकालना है VR की वैल्यू निकाल VR की वैल्यू में सर कैसे निकालू अगर मुझे करंट पता चल गया I नॉट इनटू R खत्म हो जाएगा खेल अक्रॉस रेजिस्टर कॉमा द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर यानी कि VR VL VC निकालना है फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में लिखना इज द एलजेब्रिक सम ऑफ These voltages is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage, more than the source voltage. Source का maximum voltage ना 140 है और आप VR, VL, VC निकालोगे ना तीनों को जोड़ोगे तो वो 200 के ऊपर जाएगा तो क्या इनका एल्जेब्रिक सम इससे ज्यादा है तो बोलोगे हाँ ज्यादा है उसके बाद लिखोगे फुल स्टॉप इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स तो आप लोग बताओगे कि भैया मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप वी आर प्लस वी एल प्लस बी सी ऐसे नहीं निकालते हैं तीनों में फेज डिफरेंस है इसलिए हम इनके अक्रॉस ऐसे निकालते हैं तो आप लोगों को बताना है कि तीनों में ना फेज डिफरेंस है तीनों एक साथ नहीं है इसलिए हम टोटल वोल्टेज ड्रॉप ऐसे नहीं निकालते हम ऐसे निकालते हैं तो जब हम ऐसे निकालेंगे ना तो हमको ये मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर ही मिलने वाला है ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा फिर अगली क्लास में मिलता है ठीक चलिए थैंक यू हाँ जो बच्चे ऑनलाइन है लीव कर सकते हैं।